स्मार्टफोन यानी हमारे जितना स्मार्ट। और अगर बात आईफोन की हो तो हमारे दिमाग में तीन बातें आती हैं, महंगा, एडवांस्ड और सिक्योर। लेकिन कहते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी ही क्या जो साधारण हो, और इसे फिर से साबित किया कुछ इंसानी खुरापातों ने। स्मार्ट होने का मतलब है डेटा एंड सिक्योरिटी, यानी अधिक जानकारी के साथ अधिक गोपनीयता भी होना। लेकिन कुछ बुरे सॉफ्टवेयर ना सिर्फ आपकी गोपनीयता को तोड़ते हैं बल्कि आपकी जानकारियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ ही करते हैं। इनमें सबसे आगे है पेगासस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक टिप्स नेक्स्ट 2 मिनट्स में। और आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या होता है पेगासस और ये एप्लीकेशन कितना खतरनाक है। सन 2018 में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के आईफोन पर कुछ अनजाने सॉफ्टवेयर का अटैक हुआ। जांच करने पर उसकी पुष्टि पेगासस के रूप में हुई। पेगासस जो है एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब होता है एक जासूसी एप्लीकेशन जो आपके फोन में रहकर आपकी इन्फॉर्मेशन को बिना आपकी जानकारी के दूर बैठे किसी कंट्रोल सेंटर तक भेजता रहता है। पेगासस को सन 2010 में एक इजराइल कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने तैयार किया था। पेगासस का मतलब होता है उड़ता हुआ ट्रोजन हॉर्स, जहां ट्रोजन हॉर्स एक ऐतिहासिक गाथा का चरित्र है। तेल अवीव में स्थापित ये कंपनी पेगासस को अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई बताती है। हालांकि पिछले कुछ घटनाओं को देखें तो पेगासस का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स और पत्रकारों की जासूसी और उन पर किए गए हमले में ज्यादा किया गया है। बात करते हैं कि आखिर पेगासस काम कैसे करता है। पेगासस एक जीरो क्लिक इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब है इसे इंस्टॉल करने के लिए इसके लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सामान्य व्हाट्सएप कॉल जिसे रिसीव भी ना किया गया हो या आई मैसेज यानी इंस्टेंट मैसेज के थ्रू इसे किसी भी स्मार्टफोन पर बड़ी आसानी से इंस्टॉल करा दिया जाता है। पेगासस इतना खतरनाक है कि ये आपके फोन में जेल ब्रेक के थ्रू अटैक करता है और आपके फोन के कर्नल मेमोरी को करप्ट कर देता है। जेल ब्रेक का मतलब होता है फोन की सुरक्षा सीमा को तोड़ देना। इसे एंड्रॉइड की भाषा में रूटिंग भी कहा जाता है। और कर्नल मेमोरी किसी फोन का वो मेमोरी होता है जहां पर उसकी तमाम मेमोरी कंट्रोल होती है। ये आपके फोन को 3 लेवल्स पर नुकसान पहुंचाता है। पहला, इनिशियल डेटा एक्सट्रैक्शन, यानी इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद आपके फोन की तमाम जानकारियों को इकट्ठा करना और उसे कंट्रोल सेंटर में भेजना शुरू कर देना। लेवल 2, पैसिव मॉनिटरिंग, इसे रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग भी कहा जाता है। पेगासस आपके फोन की इंस्टेंट एक्टिविटी और उस दौरान जनरेट हुए डेटा, चाहे वो फोटो, वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट के फॉर्म में क्यों ना हो, को मॉनिटर करना शुरू कर देता है। लेवल 3, एक्टिव कलेक्शन, लो बैटरी, रोमिंग या फोन की स्टोरेज फुल होने या किसी अन्य दशा में जब पेगासस आपके डेटा को सर्वर पर अपलोड नहीं कर सकता तो इस दौरान वह इमरजेंसी सूचनाओं को कलेक्ट करता है और उसे टेक्स्ट यानी मैसेज के थ्रू सर्वर को भेज देता है। एक नॉर्मल स्पाईवेयर जहां आपके फोन के अंदर अधिक जगह लेता है, ज्यादा बैटरी की खपत करता है और इन्फॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए ज्यादा इंटरनेट डेटा का उपयोग करता है, वहीं सुपर स्पाईवेयर पेगासस आपके फोन में कम जगह लेता है, यानी आपके स्टोरेज का 5% जो कि लगभग 200 MB का एक फाइल होगा। यह सूचनाओं को किलोबाइट्स में टेक्स्ट के थ्रू भेजता है ताकि इंटरनेट की खपत कम हो सके, और ऐसा ज्यादातर वो वाईफाई कनेक्शन के थ्रू ही करता है। साथ ही बैकग्राउंड में कम से कम बैटरी की खपत करता है ताकि किसी भी तरह वह यूजर के पकड़ में ना आए। पेगासस के नाम उपलब्धि से ज्यादा बदनामियां हैं। उपलब्धि की बात करें तो पेगासस ने एक खतरनाक मैक्सिकन ड्रग डीलर जोकिन गजमैन या अल चापो को सन 2016 में पकड़वाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन वहीं 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पेगासस पर सऊदी अरब के जासूसों की मदद करने की बात बताई, और ये बात तब साबित हुई जब 2019 में एक सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की एक संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। सन 2019 में व्हाट्सएप ने NSO के ऊपर व्हाट्सएप कॉल को एक्सप्लॉइट करने के खिलाफ मुकदमा दायर किया और लगभग 1400 लोगों का डेटा लीक हो जाने की बात कही। मजे की बात तो यह है कि सन 2020 में व्हाट्सएप के इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी पर NSO ने आपत्ति भी दर्ज की थी। क्या आपको पता है इसराइल की सरकार ने पेगासस को एक वेपन यानी एक हथियार का दर्जा दिया है। वह इसे किसी विश्वसनीय सरकारी एजेंसी को ही बेचती है और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पूरी तरीके से सरकार की निगरानी में होती है। आपको ताज्जुब होगा कि पेगासस ना तो किसी अमेरिकन नंबर को ट्रेस करता है और ना ही अमेरिका की सीमा के अंदर काम करता है। पेगासस से इन्फेक्टेड कोई फोन जैसे ही अमेरिका की टेरिटरी के अंदर जाता है, वैसे ही पेगासस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला जाता है। तो क्या फोन को पेगासस जैसे खतरनाक स्पाईवेयर से बचाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। सोशल मीडिया पर आए हुए किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। अपने फोन को हमेशा लेटेस्ट पैच और सॉफ्टवेयर से अपडेट करके रखें। फ्री वाईफाई के चक्कर में ना पड़ें, और अगर अत्यंत आवश्यक हो तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN का प्रयोग करें। अपने डिवाइस डेटा को इनक्रिप्टेड रखें और अपने फोन पर हमेशा फिंगरप्रिंट, फेस या पिन लॉक को इनेबल्ड रखें। पेगासस ना सिर्फ आपकी प्राइवेसी पर बल्कि भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए आर्टिकल
आर्टिकल 21 पर भी एक हमला है जो आपको देता है जीवन और निजता का पूरा अधिकार, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए। दोस्तों उम्मीद है आपको पेगासस पर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अपने महत्वपूर्ण विचार कमेंट्स के थ्रू लिखना ना भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।